हैं, ये वही बस है जो घटना के दिन तिकुनिया में जब हादसा हुआ था, जिससे थार गाड़ी से कुचलकर चार किसानों की मौत हुई थी, उसके बदले में चार और लोगों की लोगों ने पीट पीट के मार डाला था। उस वक्त ये बस, जिला प्रशासन ने इस बस को वहाँ पर एहतियातन खड़ा किया था कि अगर कोई दंगाई या कोई बलवाई अगर कोई हंगामा करता है तो उसके बाद उसको इसी बस में डिटेन किया जाएगा, इस बस से उसको ले जाया जाएगा। आइए हम दिखाते हैं, बस का नंबर है UP 32 CZ 5498। आप देख सकते हैं ये बस, यही वो बस है गुप्ता ट्रेवल्स की, जो आपको उस वीडियो में, जो वीडियो वायरल हो रहे थे उस बस में साफ तौर पर वीडियो में दिखाई दे रहा था कि यही वो बस है जिसको प्रशासन ने एहतियातन तौर पर वहाँ पर खड़ा किया था। आइए हम बात करते हैं, क्या नाम है आपका? राकेश। राकेश जी, 3 तारीख को ये बस कहाँ ले गए थे आप? हम यहाँ लखीमपुर से तिकुनिया ले गए थे, वहाँ पे ले गए थे, वहाँ पे बैरियर लगा था, इसके पीछे हमने पुलिस वाले ने गाड़ी रुकाया, वहाँ पे भीड़ लगी थी, उसके बाद हमने गाड़ी रोक दिया किनारे साइड में, और उसके बाद हम चले गए वहाँ चाय पीने, उसके बाद लौट के आए तो देख रहे गाड़ी वहाँ। अच्छा, बस क्यों बुलाई गई थी वहाँ पर? ये है नहीं, नंबर लेके गई थी। अच्छा, नहीं बता रहे कि वो जो कुछ लोग थे? नहीं, ये नंबर लेके गई थी। अच्छा, क्या देखा था आपने जब लौटे? हमने क्या देखा वहाँ? हम कुछ नहीं, वो गाड़ी जल रही है, लौट के आया तो वहाँ से पुलिस वाले ने पूछा तो बताया गाड़ी ले जाओ, मैं तो बेलाया लेके चले आए नंबर लेके। अच्छा, उस समय आपने देखा था जो 3 गाड़ियाँ थी बहुत तेज रफ्तार में गई थी? वो नहीं देखा, हमने उतर के रोक दिया पुलिस वाले ने, अब हम लोग वैसे डरा जाते हैं तो तुरंत पुलिस वाले रोक रहे हैं, जो पुलिस वाले कह रहे हैं गाड़ी रोक दे, गाड़ी किनारे रोक दिया, हमने चले गए चाय पीने, ओके लौट के आए तो बस इतने देखा। अच्छा, गाड़ी में कोई तोड़फोड़ नहीं? गाड़ी में कोई तोड़फोड़ नहीं किया सर। अच्छा, वहाँ पर किसान कुछ हंगामा कर रहे थे? नहीं कर रहे थे? नहीं, वो हम देखे रहे, तुरंत चले गए, हमको चले गए साथ में आदमी के बस। अच्छा, और आपके साथ कंडक्टर कौन थे? कंडक्टर ये सर। सर लीजिए, हमारे साथ ये कंडक्टर साहब हैं, ये भी उस समय उस घटना के समय वहाँ पे मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? जी दीपक श्रीवास्तव। और दीपक जी, क्या देखा था उस दिन आप लोगों ने, क्या हुआ था वहाँ? हम जब पहुँचे गाड़ी लेके तो पैसेंजर बैठे थे, उन्होंने कहा, पुलिस ने कहा गाड़ी भैया किनारे लगा दो, तो हम लोगों ने गाड़ी किनारे लगा दी, फिर देखा बहुत भीड़ थी वहाँ, तो हमने कहा चलो चलो चाय पियाते हैं, फिर हम अपने बस अड्डे पर चले गए, वहाँ हम दोनों लोग चाय पी, फिर वहाँ पता लगा कि गाड़ियाँ में आग लगा दी है, तो हम लोग खेत से दौड़ के हम कहें हमारी गाड़ी तो आगे नहीं लगा दी, तो हमारी गाड़ी सुरक्षित वहाँ पे खड़ी थी। अच्छा, जब आप लोगों ने देखा तो 3 गाड़ियाँ जो काफिला था जी, जी तेज रफ्तार में गया था, वो हमने कुछ नहीं देखा। और क्या देखा था, क्या देखा? वो तो हम जो है चले गए थे वहाँ, चले गए थे हम, तो हम तो चाय पी रहे थे अपने बस अड्डे पे, वहाँ जब पता लगा गाड़ी फूक दी गई, तो हम जो दौड़ते हुए खेतों से आए, तो हमने देखा हमारी गाड़ी सुरक्षित खड़ी थी, और हमने पुलिस वालों से पूछा कि गाड़ी अपनी ले जाए, तो उन्होंने कहा बेकरी ले जाओ, फिर एम्बुलेंस। नहीं, वहाँ का दृश्य क्या था, मतलब ठीक है आपने वो नहीं देखा, मगर दृश्य क्या था वहाँ का, मंजर क्या था? मंजर कहाँ, वही सब हल्ला गुल्ला कर रहे थे, बाकी हमने कुछ देखा नहीं। बॉडी पड़ी थी वो? नहीं, हमने कुछ देखा। आप बस निकाल के लाए? हाँ, बस हम तो बैक वहाँ तो नहीं गए थे, वो तो बहुत दूर थी हमारी गाड़ी खड़ी थी, वहाँ से हमने अपनी गाड़ी बैक कर ली, वहाँ से चले गए, बस बैक ही चले गए, बैक घुमा ली गाड़ी, बुलाया आ गया था। जी दीपक श्रीवास्तव, राकेश। जी आप देख सकते हैं जिस तरह से बस के ड्राइवर और कंडक्टर, इनका साफ तौर पर कहना है कि घटना के समय ही गाड़ी वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन इन दोनों लोगों का यही कहना है कि मैंने उस घटना के बारे में कुछ देखा नहीं था। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी।